हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था लूफी जो है सीधा पहुंच जाता है मरीन फोर्ड में। इसके बाद व्हाइट बियर्ड और लूफी की बहस होती है। इसके बाद लूफी सीधा एस को बचाने के लिए निकल जाता है और अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हो, बोआ हैंकॉक लूफी को स्मोकर से बचा लेती है। इसके बाद मरीन के जो सोल्जर्स होते हैं उनको लगता है कि बोआ हैंकॉक अब लूफी को मारेगी, लेकिन बोआ हैंकॉक अपने जेब से चाबी निकालती है और लूफी को दे देती है, बोलती है कि जाओ इसको बचा लो। अब जब लूफी आगे बढ़ता है तो वो पहुंच जाता है इवांको के पास। इधर इवांको बार्तोलोमियो कुमा से बात कर रहा होता है, कहता है कुमा तुम्हें क्या हो गया है। तो जो डोफ्लामिंगो होता है, डोफ्लामिंगो उसे बताता है कि जिस कुमा को तुम जानते हो वो कुमा मर चुका है, अब ये गवर्नमेंट के लिए काम करता है। तो जो इवांको होता है वो बोलता है कि कुमा तो गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। लेकिन डोफ्लामिंगो कहता है कुछ दिन पहले गवर्नमेंट को बार्तोलोमियो कुमा मिला और डॉक्टर वेगापन ने उसका एक एक पुर्जा, एक एक बॉडी पार्ट को चेंज कर दिया, इवन उसकी मेमोरी भी इरेज कर दी। अब जो बार्तोलोमियो कुमा होता है पहले जो है इवांको पे अटैक करता है, इसके बाद जो इवांको के फॉलोवर्स होते हैं उसके ऊपर कुमा अटैक कर देता है। ये देख के इवांको को गुस्सा आता है और इवांको भी कुमा में देना शुरू करता है। इवांको यूज करता है अपना गैलेक्सी विंग, जिससे जो है बार्तोलोमियो कुमा की हालत खराब हो जाती है। और अब बगी पायरेट्स भी मैदान में आते हैं। इसके बाद हम लोगों को क्रोकोडाइल दिखाया जाता है। क्रोकोडाइल फिर दोबारा कोशिश करता है व्हाइट बियर्ड को जान से मारने के लिए, लेकिन थर्ड डिवीजन कमांडर डायमंड जोस मैदान में आता है और एक घूंसा देता है क्रोकोडाइल के, जिसके बाद क्रोकोडाइल के मुंह से खून निकल जाता है। और अब डायमंड जोस फिर दोबारा एक घूंसा मारने वाला होता है, लेकिन डोफ्लामिंगो आके क्रोकोडाइल को बचा लेता है। इसके बाद डोफ्लामिंगो बोलता है क्रोकोडाइल क्या तुम मेरे साथ टीम अप करोगे, लेकिन क्रोकोडाइल टीम अप करने से मना कर देता है और अब लूफी का सामना ड्रैक्यूल मिहॉक से हो जाता है। अब लूफी का सामना हो जाता है ड्रैक्यूल मिहॉक से और लूफी बिल्कुल नहीं लड़ना चाह रहा होता है ड्रैक्यूल मिहॉक से, क्योंकि ड्रैक्यूल मिहॉक की पावर जो है लूफी देख चुका है। तो लूफी तुरंत सेकंड गियर में आता है और वहां से भागना शुरू कर देता है, लेकिन ड्रैक्यूल मिहॉक की आंखें बहुत तेज होती हैं। वो लूफी को एक बार में देख लेता है कि लूफी कहां भाग रहा है और उसी डायरेक्शन में अपना स्लैश मारता है जो कि लूफी को पड़ता है, लेकिन लूफी को ज्यादा इंजरी नहीं होती है, बस थोड़ी सी चोट आई होती है। और अब लूफी का जो है बैकअप देने के लिए मैदान में जिम्बे जाता है और जिम्बे और मिहॉक की लड़ाई होती है, लेकिन जिम्बे भी मिहॉक के सामने नहीं टिक पाता है। अब जो मिहॉक होता है वो लूफी के ऊपर जानलेवा अटैक करने वाला होता है, लेकिन लूफी जो है वहां से बच के निकल जाता है। अब लूफी को गुस्सा आता है और लूफी यूज करता है अपना गोमू गोमू नो बजूका, लेकिन लूफी को एकदम से ध्यान आता है कि अगर मैंने अपने हाथ ज्यादा लंबे कर दिए तो ड्रैक्यूल मिहॉक उसके हाथ को जो है काट देगा, तो वो अपने हाथों को रोक देता है। अब जो है मिहॉक एक स्लैश मारता है जो कि लूफी डॉच करता है, लेकिन जो पीछे चट्टान होती है पूरी बर्फ की वो उसे काट देता है। ये देख के सब लोग दंग रह जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो क्रोकोडाइल होता है वो डोफ्लामिंगो पे अटैक करता है, वो एक बहुत बड़ा टोर्नेडो बनाता है और डोफ्लामिंगो के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन डोफ्लामिंगो तो बच जाता है, लेकिन जो बगी पायरेट्स होते हैं वो उस टोर्नेडो के लपेटे में आ जाते हैं। तो अब क्या होता है, जो मिहॉक होता है वो लूफी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी लूफी बगी को पकड़ता है और मिहॉक के सामने लाके खड़ा कर देता है। तो जो उसका स्लैश होता है वो बगी के ऊपर पड़ता है और बगी बीच से कट जाता है, लेकिन उसका डेविल फ्रूट बगी को बचा लेता है। अब क्या होता है, जो लूफी को बैकअप देता है वो देता है फिफ्थ डिवीजन कमांडर फ्लोवर ब्लेड विस्टा, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैन है व्हाइट बियर्ड की टीम में। और अब मिहॉक और जो विस्टा होता है उसके बीच में बैटल शुरू होती है और लूफी वहां से आगे बढ़ जाता है। ये देख के मिहॉक इतना मतलब अचंभे में आता है कि एक बच्चा जिसे कोई नहीं जानता, मतलब एक पायरेट वाली बात अलग है। देखो व्हाइट बियर्ड को लूफी से कोई लेना देना नहीं है, इवांको को लूफी से कोई लेना देना नहीं है, इवन जिम्बे को भी लूफी से कोई लेना देना नहीं है। ये देख के मिहॉक बोलता है कि क्या ही बच्चा है, क्या ही ताकतवर है। इसके बाद क्या होता है, मैदान में पैसिफिस्टा PX-123 सारे कुमा रोबोट्स जो है मैदान में आ जाते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, गवर्नमेंट का एक और प्लान जो है रिवील होता है और वो प्लान ये होता है कि हम लोग ऐसे एक्ट करेंगे जैसे हम लोग फॉल बैक ले रहे हैं, ताकि जो व्हाइट बियर्ड कमांडर्स हैं और व्हाइट बियर्ड की जो अलायंस है वो आगे आना शुरू करेगी और पीछे से हम लोग कुमा रोबोट से जो है हमला कर देंगे और ये लोग बीच में आके फंस जाएंगे। लेकिन जो व्हाइट बियर्ड होता है ये पहले इस प्लान को भांप लेता है और वो पहले ही डिफेंसिव तरीके से अपने आप को वहां से बचा लेता है। लेकिन अब होता क्या है, जो सेनगोकू होता है वो लाइव ब्रॉडकास्ट को जो है बैन कर देता है, बंद करवा देता है, और अब सेंतु मारू मैदान में आता है और कुमा रोबोट जो है चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। इधर जो लूफी होता है वो आगे बढ़ता है तो उसका सामना किजारू से हो जाता है। किजारू लूफी में एक लात देता है और लूफी जहां से शुरू करता है
वहीं पे पहुंच रहा होता है, लेकिन जो जिम्बे होता है वो उसे आके बचा लेता है। इसके बाद वहां पे व्हाइट बेल्ट के और भी कमांडर्स आ जाते हैं और लूफी लोग आगे बढ़ना फिर दोबारा शुरू करते हैं। इधर जो बगी होता है वो फिर दोबारा लाइव टेलीकास्ट को शुरू करता है। ये देख के सेंगोकू को गुस्सा आता है और बोलता है कि इन्हें जो है रोको। अब व्हाइट बियर्ड के पास स्क्वाडो आता है और स्क्वाडो और व्हाइट बियर्ड कैजुअली बात कर रहे होते हैं। इतनी बातों बातों में स्क्वाडो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और व्हाइट बियर्ड के जो अपनी स्वॉर्ड होती है वो आर पार कर देता है। स्क्वाडो की ये हरकत देख के सब लोग दंग रह जाते हैं। मार्को द फीनिक्स इवन जितने भी कमांडर्स होते हैं वो सबकी आंखें बाहर निकल जाती कि स्क्वाडो ने ये क्या किया। इसके बाद जो है स्क्वाडो बताना शुरू करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि व्हाइट बियर्ड ओल्ड मैन, मुझे पता है कि तुमने जो है सेंगोकू से समझौता कर लिया है और वो समझौता ये है कि तुम एस और तुम्हारे कमांडर्स यहां से बच के निकल जाएंगे, लेकिन जितने भी अलायंस है वो सब या तो मारे जाएंगे या फिर पकड़े जाएंगे। ये सुन के व्हाइट बियर्ड एकदम दंग रह जाता है कि इसे हुआ क्या है। इसके बाद स्क्वाडो ये भी बोलता है कि तुम जानते हो कि मैं गोल्डी रॉजर से कितनी नफरत करता हूं क्योंकि उसने मेरे सारे जो क्रू मेंबर्स थे उन सबको मार दिया। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि आखिरकार स्क्वाडो को भड़काया किसने होता है। स्क्वाडो को आखिर उन्होंने भड़काया होता है, ये बस हम लोगों को ये बात पता होती है। लेकिन अब जो व्हाइट बियर्ड होता है वो बोलता है कि बेवकूफ बच्चे इधर आ। वो उसे पकड़ता है और गले लगा लेता है, बोलता है कि ये बता ये बात ये बताई किसने। अब वो बताता है कि ये सब बात जो है मुझे आकेनू ने बताई है। ये सुन के व्हाइट बियर्ड को बहुत तेज गुस्सा आता है। इसके बाद वो बोलता है कि मुझे ये बात पता है कि गोल्ड डी रॉजर का बेटा है एस, लेकिन ये बताओ क्या एस ने कभी तुम्हारे साथ बुरा किया? क्या तुम्हें कभी मारा या कभी तुम्हें मुसीबत में छोड़ के वहां से भागा है? हमेशा तुम दोनों के बीच में राइवलरी रही है, एक दूसरे को तुम दोनों ने परेशान किया, तुम दोनों ने साथ में मिशन किए, हर कुछ सारे काम तुम दोनों ने मिलके किए, तो हम लोग गोल्ड डी रॉजर की गलतियां एस के ऊपर क्यों डालें? इसके बाद व्हाइट बियर्ड खड़ा होता है, एयर में घूसे मारता है और जितनी भी बर्फ पानी में जमी होती है वो सबको तोड़ देता है और वहां पे एक ओपनिंग जो है क्रिएट कर देता है ताकि जो भी पायरेट अलायंस वाले वहां से भागना चाहता है वो भाग जाए। इसके बाद दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी एडवर्ड न्यूगेट उफ व्हाइट बियर्ड मैदान में कूदता है। अब जब मैदान में व्हाइट बियर्ड आ गया है तो मरीन वाले तोप के गोले फायर करना शुरू करते हैं व्हाइट बियर्ड के ऊपर, लेकिन अब तोप के गोले व्हाइट बियर्ड के आगे बेकार है। वो एक घूंसा एयर में मारता है और तोप के गोले दूर जाके गिरते हैं। इसके बाद व्हाइट बियर्ड का सामना बहुत बड़े जायंट से हो जाता है, तो व्हाइट बियर्ड जो है अपना वेपन नीचे रखता है और अपनी उंगलियां एयर में खुरुच देता है जिससे पूरा मरीन फोर्ट हिल जाता है। पानी ऊपर से नीचे हो जाता है, पूरा मरीन फोर्ट ऊपर से नीचे हो जाता है, लेकिन जायंट को अभी भी चैन नहीं पड़ रहा होता है। वो फिर भी व्हाइट बियर्ड से लड़ने के लिए आगे आता है। अब व्हाइट बियर्ड उछलता है और उसके पेट पे एक घूंसा मारता है। उस घूंसे से इतनी तेज वेव जो है उठती है कि वो वेव सीधा एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही होती है, लेकिन जो 3 एडमायरल्स होते हैं वो उस वेव को रोक लेते हैं। अब लूफी प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ने वाला होता है, लेकिन जो मरीन वाले होते हैं वो एक और वॉल को खड़ी कर देते हैं ताकि लूफी ऊपर ना चढ़ पाए। अब जो है वॉल्स बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन जहां पे ओजेड मॉन्स्टर लेटा होता है वहां से वॉल बाहर नहीं निकलती है। इसके बाद क्या होता है, जो आकिनी होता है वो मैदान में आता है और अपना मीटियर शावर अटैक को यूज करता है जिससे व्हाइट बियर्ड की जो अलायंस की शिप्स होती हैं वो तबाह हो जाती हैं। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।